ज्योति मिर्धा हुई बीजेपी की नाव में सवार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी मुश्किल हुई दूर। नागौर लोकसभा सीट से बनाई जा सकती हैं उम्मीदवार। नागौर की सियासत को साधने की कोशिश होगी कामयाब। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोमवार को नागौर से पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ज्योति मिर्धा ने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि महिला अत्याचार यूनिवर्सली एक बुरा मुद्दा है, चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं पर भी हो। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और हर एक इंसान को उसके खिलाफ होना चाहिए। राजस्थान की सरकार से मैं अभी भी यही निवेदन करूंगी कि अगर महिला अत्याचार का कोई भी मुद्दा उनके सामने आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो एक आम धारणा बनी है लोगों को, जो आज डर किसी फीलिंग आती है राजस्थान में, चाहे वो मतलब जो हमारे विधायक हैं कुछ लोगों ने, तो उन लोगों ने भी ऐसी अपने कंसर्न्स वॉइस करे थे। मुझे लगता है कि एक सीरियस मैटर है और इसके ऊपर उनको एक्शन करना है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने ज्योति मिर्धा के पार्टी में आने से बीजेपी के राजस्थान में मजबूत होने का दावा किया। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहां की अच्छी नीतियां भी हैं, तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं ज्योति के कांग्रेस पर भरपूर वार से तिलमिलाई कांग्रेस ने पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ज्योति मिर्धा जी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेहनत वैसी नहीं रही। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है। लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे, या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पे अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था। 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है। मिर्धा परिवार का अब भी नागौर की सियासत पर खासा प्रभाव है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा। पहले नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी की टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथूराम मिर्धा के देहांत के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया था, लेकिन बाद में वे सियासत से दूर हो गए। ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर सीट से सांसद रही, लेकिन 2014 और 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गई थी। जाहिर है ज्योति के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को नागौर सीट पर मजबूत उम्मीदवार मिल गया है।
बीजेपी उन्हें नागौर लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार थी, वे एनडीए के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। अब जब उनका बीजेपी से गठबंधन टूट चुका है तो बीजेपी को नागौर से मजबूत चेहरे की तलाश थी। जाहिर है ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से अब कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चेहरे के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से बहुत मुश्किल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं नागौर सांसद और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज अलवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्र युवाओं का रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 4 और बीजेपी में 12 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा की जमानत जब्त होने का दावा किया है। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि सीबीआई और ईडी का डर ज्योति मिर्धा को होगा, इसलिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत से लोग थे, चुनाव में खड़ा करके ज्यादातर लोग बीजेपी में चले गए। फिर मैंने 160,000 के लगभग वोट लिए, ज्योति मिर्धा को हरा दिया और बीजेपी जीती। और 19 का जो चुनाव था उसमें गठबंधन हुआ मेरा एनडीए से और करीब 2,00,000 लोगों से इसको मैंने परास्त किया। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जितेंद्र सिंह शेखावत का मंत्री शांति धारीवाल पर बड़ा हमला सामने आया है। और बिना नाम लिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसे मंत्री को अरब सागर में फेंक देना चाहिए। राजस्थान को धारीवाल ने मर्दों का प्रदेश बताया था। मर्दों का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान की मर्दानगी पर कालिक पोतने का पाप किसने किया? गलत सरकार ने किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो आज भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, वो आज भी मंत्री है। ऐसा व्यक्ति जिसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए और आलम सागर में फेंक देना चाहिए, वो आज राजस्थान के मंत्रिमंडल का मंत्री है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। फलों के छिलके, अंडे के छिलके आदि को इकट्ठा कर खाद बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल पार्क में किया जाता है। स्कूल के बच्चों और कर्मचारियों से पार्क में पौधे लगवाए गए हैं और हर पौधे के रखरखाव की जिम्मेदारी पौधे को लगाने वाले व्यक्ति को ही दे दी गई है। पार्क में कई प्रकार के सुंदर फूल और बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग को भी लगाया गया है। इस इको पार्क में छोटे छोटे तालाब भी बनाए गए हैं, जिनमें सीजनल मछलियाँ, महाशीर और ग्रास कार्प प्रजाति की मछलियों को रखा गया है। गोबर, टूटी छत और जानवरों का पसीना, फिर भी कहलाता तो ये स्कूल ही है। दतिया के पलोथर गांव का विद्यालय, जो विद्यालय कम तबेला ज्यादा दिखाई देता।